हेलो एस्पायरेंट्स, फर्स्ट मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है, इवन हिल स्टेशंस विल बी हॉटर दिस ईयर वॉर्न्स आईएमडी। तो इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है, फोकस दिया है कि टेम्परेचर इस समर अबव नॉर्मल हो गए ऑल थ्रू आउट द कंट्री। तो जो हिल स्टेशन स्टेट्स है जैसे कि ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे भी एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा देन नॉर्मल समर टेम्परेचर्स। और जो कोर हीट जोन्स है, जो ये इंटरनल हिंटरलैंड स्टेट्स है, यहाँ पे भी टेम्परेचर्स काफी वार्म होंगे। तो ये उनका प्रिडिक्शन है। तो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्चुअली समर मानसून फोकस करते हैं, बट ये लास्ट ईयर 2016 से उन्होंने समर फोकस भी देना शुरू किया है। तो जो उन्होंने डायनामिक मॉडल अडॉप्ट किया है तो उसमें अब वो समर फोकस भी दे रहे हैं, और ये समर फोकस भी एवरी 5 डेज अपडेट किया जाएगा, तो वो भी उन्होंने कहा है। और ये वेदर मॉडल जो जिनके बेसिस पे ये फोकस दे रहे हैं, उसमें ये है कि 47% प्रोबेबिलिटी है कि समर टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल होने वाले हैं। और इवन ये भी डेटा है कि 2016 वाज द हॉटेस्ट वार्मेस्ट ईयर इन द सेंचुरी। तो ये पूरे लास्ट 100 ईयर्स में 2016 सबसे गर्म रहा है अकॉर्डिंग टू आईएमडी डेटा। और जो ये समर मंथ्स लास्ट ईयर थे के जो हीट वेव्स है, इनका फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑल अक्रॉस दी कंट्री, जितनी बार वो होते, कई बार होके और ज्यादा समय तक रहेगी। तो ये भी उन्होंने इंक्रीजिंग ट्रेंड्स के बारे में ये बताया है। हीट वेव्स क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिफाइन भी किया है। तो इसको लेक्सिकन्स कहते हैं कि टर्म्स का क्या मतलब है, तो वो उन्होंने दिया है डिटेल्स। तो वो भी हम देखेंगे कि हीट वेव स्पेसिफिकली कैसे डिफाइंड है। तो इन्होंने कहा ये रीजन इसका ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग से ये हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो टेम्परेचर्स, सी सरफेस टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, वार्म हो रहे अलॉन्ग इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, जिसकी वजह से समर्स इंडिया में भी वार्म रहेंगे। और एक जो पॉइंट है रिगार्डिंग वेदर फोरकास्टिंग, वो है एल नीनो के बारे में। तो अभी ग्लोबल वेदर मॉडल्स भी कह रहे हैं कि एल नीनो कंडीशंस हो सकते हैं ये साल। तो एल नीनो हमने पहले भी देखा है, फिर से एक बार देखेंगे। तो दिस इज एक्चुअली इन शॉर्ट के वाटर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हाई हो गए, वार्मिंग ऑफ वाटर्स इन इक्वेटोरियल पैसिफिक। तो उस वजह से इंडियन मानसून भी अफेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं हम देखेंगे। तो यही है आईएमडी का कि ये फोरकास्ट उन्होंने दिया है। हीट वेव्स क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। तो ये आईएमडी की टर्मिनोलॉजी से डिफाइन, हीट वेव मतलब अगर टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गए देन यूजुअल, नॉर्मल जो टेम्परेचर होते हैं उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गए, उससे ज्यादा हो गए, तो ये हीट वेव बोला जाएगा। और अगर कोल्ड वेव कब बोला जाएगा, जब जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा कोल्ड है, तो कोल्ड वेव बोला जाएगा। सीवियर हीट वेव का मतलब है कि टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है या इक्वल है, 47 डिग्री सेल्सियस और मोर। और सीवियर कोल्ड वेव मतलब मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। तो ये टर्मिनोलॉजीज है। और भी टर्मिनोलॉजीज जो आईएमडी यूज करती है फॉर रेनफॉल, तो ये रेनफॉल के लिए वो यूज करते थे पहले कुड अकर, मे अकर, पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल। तो अब ये टर्मिनोलॉजी चेंज की गई है कि अनलाइकली है रेनफॉल, लाइकली है, वेरी लाइकली, मोस्ट लाइकली, बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। तो 25% प्रोबेबिलिटी से कम है तो अनलाइकली है, 25 to 50 लाइकली, एंड सो ऑन ऐसे। और नॉर्मल रेनफॉल भी क्या होता है वो भी डिफाइन किया है। नॉर्मल रेनफॉल मतलब जो मानसून रेंज प्लस माइनस 10% के रेंज में हो ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, 50 ईयर एवरेज रेनफॉल कैसे रहा है उस रीजन में वो, या 89 सेंटीमीटर एक एवरेज लिया जाता है। और बिलो नॉर्मल क्या होता है, लेस देन 10% ऑफ LPA। तो अगर लॉन्ग पीरियड एवरेज से लेस देन 10% है तो वो बिलो नॉर्मल। तो ये एवरेज हर रीजन के लिए एक्चुअली अलग रहेगा, तो ये नेशनली ऐसे दिया गया है। अबव नॉर्मल मतलब मोर देन 10% LPA, और डेफिशिएंट ईयर मतलब 10% डेफिशिएंट है जो ज्यादा जगह में स्प्रेड है, मतलब 20 to 40% ऑफ द रीजन में अगर 10% डेफिशिएंट है तो उसको डेफिशिएंट ईयर माना जाता है। तो ये डिफाइन किया है आईएमडी ने अभी। और ये एल नीनो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो जब ओशन टेम्परेचर्स वार्म होते हैं, तो ये इक्वेटोरियल रीजन ओशन टेम्परेचर्स वार्म होते हैं, तो यहाँ से जो ट्रेड विंड्स ब्लो करती है तो उससे ये वार्म वाटर भी वो अपने साथ ड्रैग करती है, और ये वार्म वाटर यहाँ अक्यूमुलेट होता है। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, तो ये लो प्रेशर, ये इवेपरेशन यहाँ होता है, क्लाउड्स डेवलप होते हैं और यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो ये जनरल कंडीशन ये होता है, ट्रेड विंड्स ऐसे ब्लो करती है, और जब यहाँ वार्म वाटर यहाँ चला जाता है तो नीचे के कोल्ड वाटर बॉडी, कोल्ड वाटर लेयर्स ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है।
लेकिन जब एल नीनो कंडीशंस होते हैं तो ये एक्चुअली ट्रेड विंग्स वीक होते हैं। तो जब ट्रेड विंग्स वीक होते हैं तो यहाँ पे जो वार्म वाटर है वो यहाँ नहीं पहुंचता, बल्कि ऊपर नीचे स्प्रेड होता है। ये नॉर्थ साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ जब स्प्रेड होता है ये वाटर, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर हमेशा लो प्रेशर होता है हाई टेम्परेचर में। तो यहाँ जब ये वाटर इवेपोरेट होता है, यहाँ क्लाउड जनरेट होता है, यहाँ पे एक्चुअली रेनफॉल आती है। और ये यहाँ पे जो कूल वाटर है, यहाँ पे एक्चुअली कोल्ड वाटर हो जाता है। तो ये रिवर्सल ऑफ विंड्स हो जाता है। और यहाँ पे जो कूल टेम्परेचर वाटर होता है तो यहाँ रेनफॉल नहीं होता, यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाता है। और यही इफेक्ट जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे यहाँ पे, वो इंडिया में भी मानसून पे रिफ्लेक्ट होता है, और मानसून अफेक्ट होती है। तो अगर एल नीनो कंडीशन हो गए तो मानसून डेफिशियंट होते हैं, तो वो हमको अफेक्ट करते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, जीडीपी ग्रोथ पेग्ड एट 7.1% बिलाइंग डीमोनेटाइजेशन ड्रैग। तो सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस ने अपना जनवरी एस्टीमेट जीडीपी का चेंज नहीं किया है, 7.1% ही रखा है। उन्होंने जीडीपी जी ये फिगर्स दिए थर्ड क्वार्टर के लिए, ये फाइनेंशियल ईयर के, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो रही है, मतलब कि डिमोनेटाइजेशन ड्रैग नहीं हो रहा है, मतलब जनवरी में अब सब नॉर्मल हो गया है। हालांकि थर्ड क्वार्टर पे अफेक्ट हुआ है, तो थर्ड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 7.3% एस्टिमेट था, वो अब 7% हो गया। पर अभी वही है, उसके उसके ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाले, यही इफेक्ट है। तो अब जैन में इसका इफेक्ट नहीं है, वो बताया जा रहा है। जीवीए ग्रोथ भी उन्होंने थर्ड क्वार्टर के लिए एडवांस एस्टिमेट से फुल ईयर के लिए उनको भी कम किया है, तो ये 7% था, तो ये अभी 6.7% हो गया है। तो ओवरऑल इफेक्ट हुआ है, बट इट्स नॉट ड्रैगिंग, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, हो गया डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट, वो कहा जा रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन ने भी ये सीएसओ पे बार लगाया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस पे, कि वो कोई भी स्टेट स्पेसिफिक डेटा इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस नहीं रिलीज करेगी जब तक असेंबली इलेक्शंस चल रहे। नेशनल लेवल डेटा वो रिलीज कर सकते, इलेक्शन कमीशन उनको वो क्लियरेंस दिया है उन्होंने कि नेशनल लेवल डेटा ही रिलीज किया जा सकता है। तो ये ग्रोथ फोरकास्ट से इंडिया के जीडीपी जीवी है, ये भी क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, पहले भी देखा है, फिर से एक बार देख लेंगे। और ये ओईसीडी फोरकास्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज अराउंड 36 मेंबर्स। तो ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज मेजरली यहाँ मेंबर्स है। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी को अपहोल्ड करते हैं, डेमोक्रेसी अपहोल्ड करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव एम है। तो वो एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड कंट्रीज की, तो वो भी जब ग्रोथ फोरकास्ट देते हैं फॉर वेरियस कंट्रीज, तो इंडिया का फोरकास्ट जो है उन्होंने भी ये 2016-17 का कम किया है। तो ये 17-18 और 18-19 के भी फोरकास्ट उन्होंने दिए हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर के तीन क्वार्टर्स, तो अभी तीन क्वार्टर्स के ही फोरकास्ट आए हैं। तो नेक्स्ट क्वार्टर अभी चल रहा है 2016 का, 17 का, तो ये मार्च में कंप्लीट होगा, उसके बाद उसके डेटा कलेक्ट होके इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये थर्ड क्वार्टर तक का इन्फॉर्मेशन है, तो थर्ड क्वार्टर डाउन गया है, बट जैन मंथ में अभी कोई डाउनवर्ड नहीं हो रहा है, ग्रोथ रेट डाउन नहीं जा रहा है। ये जीडीपी जीएनपी क्या होता है? तो जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब मार्केट वैल्यू सबकी ऐड की जाती है तो जीडीपी मिलता है। जीएनपी होता है वो है, ये जीडीपी एक्चुअली डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया जो भी हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर है। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जीएनपी में अगर कोई इंडियन नेशनल्स बाहर है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, वहां जो अर्निंग्स हो रही है वो यहाँ ऐड होनी चाहिए। और जो फॉरेनर्स इंडिया में है वो जो अर्निंग्स कर रहे हैं वो तो वापस अपने कंट्री में भेजेंगे, तो वो डिडक्ट होनी चाहिए। तो ये फैक्टर पेमेंट्स बोला जाता है इसको, जैसे कि वेजेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स जो भी है। तो इस पे जो प्रॉफिट्स वगैरह जो होती है वो यहाँ पे जो बाहर से आ रही है, अब्रॉड से आ रही है, उनको ऐड करो, और जो जा रही है उनको सब्ट्रैक्ट करो। तो जीडीपी में से ये जब कैलकुलेशन किया जाता है तो जीएनपी मिलता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जीवीए क्या होता है? क्रॉस वैल्यू एडिशन। तो क्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब जीडीपी में ही जब टैक्सेस लगते हैं, मतलब मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू में टैक्सेस भी लगते हैं, तो टैक्सेस तो गवर्नमेंट को जाते हैं, इसमें गुड्स या सर्विस पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वैल्यू एडिशन में कुछ पैसा तो जाता नहीं, तो इसको डिडक्ट करो। और जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, ये सब्सिडीज तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है पर इन्वेस्ट तो ये पैसा डालना पड़ता है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको ऐड कर। तो टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करके, सब्सिडीज ऐड करके जो वैल्यू मिलती है जीडीपी से वो जीवीए बोली जाती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और दो टर्मिनोलॉजीज होती है, नॉमिनल और रियल। तो नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीवीए होता है। तो नॉमिनल मतलब एट करंट प्राइसेस, तो इसमें इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन नहीं, एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। और जो रियल जीवीए होता है इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट किया जाता है, तो ये कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे होते हैं कम्पेयर टू वन फाइनेंशियल ईयर। तो इन्फ्लेशन चेंजेस हो रहे ओवर द ईयर्स, तो वो रिफ्लेक्ट होता है इन रियल जीवीए।
फिर अगला न्यूज आइटम है, ओईसीडी पुट्स ग्रोथ एट 7%। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि इन्होंने अपना प्रोजेक्शन कम किया है फॉर 2016-17, और ये वही हाईलाइट कर रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स प्रॉब्लम्स है इंडिया में, तो उसकी वजह से भी कंसर्न है उनको, इसीलिए वो कम कर रहे हैं। वो कह रहे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 12.3% ऑफ जीडीपी है इन सितंबर 2016, और ये बढ़ भी रहे। वो कह रहे कि इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आ रहे हैं, पर अब बैंक्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसके लिए ये रिकॉग्निशन होने की वजह से ये इंक्रीज हो रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो ऑलरेडी वो थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आरबीआई ने भी कई बार बैंक्स को कहा है कि क्लियरली रिफ्लेक्ट करें कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, क्योंकि फिर एक्शन लिया जा सकता है, यू गेट अ क्लियर पिक्चर। अब बाकी ओईसीडी रिकमेंडेशंस दे रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट रिड्यूस करो 30% से 25% करो। ये प्रेजेंट बजट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑलरेडी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 25% कर दिया है गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स। और वो कह रहे हैं कि टैक्स रूल्स इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्लैरिटी लाओ, सर्टेनिटी लाओ, तो उससे बेनिफिट होगा। कह रहे कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को और ट्रेनिंग दो और उनका नंबर इंक्रीज करो, तो ये भी उनके रिकमेंडेशन है। तो ये ओईसीडी मेंबर का फोकस ऑन डेमोक्रेसी एंड मार्केट इकोनॉमी, तो जनरली ये डेवलप्ड कंट्रीज ही है मेजरली जो यहाँ मेंबर्स है, 36 कंट्रीज है। लातविया जो 2016 में ऐड हुई यू के मेंबर, वो यहाँ मेंशन नहीं है, तो ये 36 मेंबर स्टेट्स है। अगला न्यूज आइटम है एमओईएफ सीक्स 5-year बैन ऑन बीबीसी क्रू। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ये कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि जो वीजा इशू किया गया है बीबीसी के साउथ एशियन करस्पॉन्डेंट जस्टिन रोलैट को, वो रिवोक किया जाए और उसके क्रू और उनपे कंप्लीटली बैन लगाया जाए। दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फर्दर एंट्री, उनको इंडिया आने ना दिया जाए एटलीस्ट फॉर 5 years। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का रिकमेंडेशन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को। और इवन एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को कहा है कि ये फिल्मिंग परमिशन जो बीबीसी को दिया गया है वो डिसअलाउ करना चाहिए, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया कंट्री में कहीं पे भी ये बीबीसी को अलाउ नहीं होना चाहिए फिल्मिंग फॉर एटलीस्ट 5 years अगेन। तो ये सब एक्शंस लिए जा रहे हैं क्योंकि ये जस्टिन रॉलेट जो बीबीसी करस्पॉन्डेंट है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है वन वर्ल्ड किलिंग फॉर कंजर्वेशन। तो ये एंटी पोचिंग स्ट्रेटेजीज जो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व में आसाम में उनके बारे में ये है। तो वहां वो कह रहे हैं कि ये वन हॉर्न राइनोज जो है यहाँ पे इंडियन राइनोज उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ फॉरेस्ट गार्ड्स स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं, तो दे हैव बीन गिवन द पावर टू शूट एंड किल पोचर्स। तो वो शूट कर सकते हैं, पोचर्स को मार सकते हैं, तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि लोग ज्यादा मरे हैं बाय द गार्ड्स रादर देन राइनोज बाय द पोचर्स। तो जो हंटर्स पोचर्स है वो राइनोज को जितना मारते उससे ज्यादा तो लोग मर चुके हैं बाय फॉरेस्ट गार्ड्स। तो ये एक सीक्रेट, डार्क सीक्रेट जो उन्होंने रिवील किया, तो इसके ऊपर ये रिएक्शन आया है। तो उन्होंने एनटीसीए ने कहा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के इन्होंने वायलेशंस किया है, इन्होंने सनसेट के बाद फिल्मिंग किया है, इन्होंने जो अंडरटेकिंग दिया था उसको डिसऑर्डर किया है, कि जो ओरिजिनल सिनॉप्सिस उन्होंने दिया था कि क्यों फिल्मिंग कर रहे तो वो उन्होंने चेंज किया है। वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग नहीं किया गया कमेटी के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सामने, ताकि हम एंश्योर कर सके कि कोई डिस्टॉर्टेड प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है कंजर्वेशन एफर्ट्स का। तो ये सब वायलेशंस की वजह से ये स्टेप्स रिकमेंड किए जा रहे हैं कि 5 year बैन लगाया जाए, 5 year नई एंट्री दिया जाए। बट दिस इज सम ट्रूथ विल बी देयर हियर, तो वो एक्सप्लोर करने के बजाय, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय द कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन इमेज। तो वॉट इमेज India has and India will project in the world. तो वो emphasis किया जा रहा है। Of course ठीक है, but यहाँ पे जो problem है, ये concern हमने पहले भी discuss किया news में कि Corbett Tiger Reserve just few days back कि Corbett Tiger Reserve में director ने order दिया, वहाँ के director ने, कि shoot at sight power दिए जाते to the guards. तो shoot at sight मतलब के, और clarification भी दिया कि अगर वो attack करे तो आप shoot करो। तो अगर शूट एट साइट है तो अटैक करे, मतलब दिखे वैसे अटैक करो, शूट एट साइट का तो मतलब होता है, तो वो अटैक करे उसके लिए रुकेंगे, वो तो नहीं होता है। कॉन्ट्रडिक्शन तो ऑलरेडी इन ऑर्डर में था, मतलब कुछ तो है। और ये ऑर्डर के बाद भी वो डायरेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये जब कुछ हो रहा है तभी ये चीजें सामने आ रही है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या ये फैक्ट्स है। इफ पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स देन ऑफ कोर्स स्टेप्स नीड टू बी टेकन। जो गार्ड्स ये किलिंग कर रहे हैं, ये किलिंग ही है, तो उसके ऊपर भी स्टेप्स लेने चाहिए कि ऐसे तो कंजर्वेशन नहीं हो सकता। तो वही सारा यहाँ पे फैक्ट्स है, तो उसके ऊपर भी स्टेप्स लेने जरूरी है। और ये सारे टाइगर रिजर्व्स है कंट्री में, तो ये आपको
बार बार देखते रहो, मेमोराइज करते रहो, बिकॉज यूपीएससी में सवाल आते, पेयर्स में क्वेश्चन आते कि टाइगर रिजर्व है कहाँ है, कौन से स्टेट में, या मैच में भी क्वेश्चन होते, तो यू शुड बी एबल टू आंसर देम। और यहाँ दो मेजर टाइगर रिजर्व है, ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है कंट्री में, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, तो ये डबल मेंशन है यहाँ पे। और पेंच टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के एरियाज कवर करता है, इसलिए ये भी डबल मेंशन है। फिर अगला न्यूज आइटम है, कॉपर एक्सेस पॉइंट टू एन एंशियंट कल्चर स्टोरी। तो ये 6 कॉपर एक्सेस और थोड़े पॉटरी के पीसेस डिस्कवर हुए फ्रॉम सकतपुर, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में जगह है। तो यहाँ पे वर्कर्स ब्रिकिन इंडस्ट्री में वर्क करने वाले यहाँ पे सॉइल के लिए डिगिंग कर रहे थे, तो वो ये कॉपर एक्सेस पॉटर शर्ड्स, उनको पॉटरी शर्ड्स मिले, तो यहाँ पे इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाया गया, तो उनकी टीम आके यहाँ अब एक्सकेवेट कर रही है। तो ये एक एक्साइटिंग डिस्कवरी मानी जाती है, क्योंकि ये ओकर कलर्ड पॉटरी जो है, तो ओकर कलर होता है येलोइश स्किन टाइप ऐसे कलर होता है, तो ये कलर पॉटरी जो है यहाँ पे, ये दोआब रीजन में थी, तो दोआब मतलब टू रिवर्स का जो होता है रीजन, प्लेन फर्टाइल प्लेन ऑफ द टू रिवर्स, तो यहाँ पे जो गंगा यमुना दोआब है एक्चुअली, तो ये रीजन में ये ओकर कलर्ड पॉटरी प्रेवेलेंट थी। तो दिस इज ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ हरप्पन पीरियड, तो हरप्पन पीरियड के जो फेजेस थे, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेटर फेज, तो लेटर फेज जो था अराउंड 2000 BC, तब उसका कंटेम्प्ररी था ये ओक कलर्ड पॉटरी। और यहाँ पे स्कॉलर्स का डिफरेंस ओपिनियंस भी है, कोई स्कॉलर्स कहते हैं कि ये खाली एक लास्ट फाइनल इम्पॉवरिश स्टेट था लेट हरप्पा का, और कुछ लोग कहते हैं कि ये कम्प्लीटली अलग था, सेपरेट था फ्रॉम हरप्पन कल्चर, ये सेपरेट कल्चर था। तो देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस, बट ये ओक कलर्ड पॉटरी कल्चर यहाँ पे, इसके एक्सट्रैक्शन होना, एक्सकेवेशन होना, ये एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, तो उसके बारे में है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ओसीपी द लास्ट स्टेज ऑफ नॉर्थ इंडियन कॉपर एज। तो हरप्पन कल्चर के बारे में आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि दैट दे डिड नॉट नो आयरन, सो आयरन एज कम्स आफ्टर दैट, इट इज कॉल्ड कॉपर और ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज इज कॉपर एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो ओसीपी भी ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, तो वही है। फिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के अक्रॉस थी, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, पाकिस्तान इंडिया रीजन ये है अभी फिलहाल, और ये गंगा यमुना में यहाँ पे ओसीपी कल्चर पाया गया था। फिर अगला न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट नो टू प्ली टू अबॉर्ट फीटस विथ डिसऑर्डर। तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक वुमेन पेटिशनर ने रिक्वेस्ट किया है कि वो अबॉर्ट करना चाहती है 26-week-old फीटस, तो डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट हुआ है, तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स में डिसऑर्डर होती है, इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, मतलब जो जीन्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, तो इसके 21st पेयर में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, तो इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो इससे काफी प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे हार्ट रिलेटेड कार्डियक इश्यूज आते हैं, इवन आईक्यू लेवल्स इन स्टूडेंट इन चिल्ड्रन के लो होते हैं, फिर ऑल्सो मसल टोन डेवलपमेंट नहीं होता है, तो हाइपोटोनिया बोलते हैं, हाइपो मीन्स लेस, मसल टोन, टोनिया, तो मसल टोन डेवलपमेंट कम होता है, तो ये उनके स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स वगैरह भी होते हैं, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये इसलिए ये चाह रही है कि अबॉर्ट करें, पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है 1971 का, उसमें अगर फीटस 20 वीक्स से ज्यादा हो गया है तो उसको अबॉर्ट करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है। एक्सेप्शन है अगर एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाई करता है कि कंटिन्यूड प्रेगनेंसी से लाइफ को थ्रेट है, खतरा है मदर का या बेबी के लाइफ को, तो ये परमिशन दी जा सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डाउन सिंड्रोम से कोई लाइफ थ्रेटनिंग फैक्टर नहीं है, ये कोई लाइफ को थ्रेट नहीं है, इसीलिए ये परमिशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि 20 वीक्स मार्क क्रॉस हो गया है, वो मार्क क्रॉस हो चुका है, और ये कह रहा है कि ये एक लाइफ है अभी, तो लाइफ इज इन आवर हैंड्स, वी कांट गिव द परमिशन टू अबॉर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिससे वी एम्पथाइज, हमको सिंपथी है वुमेन से, उसके बच्चे से, जो डेवलपमेंटल डिलेज उनको हो सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्स हो सकते हैं, बट स्टिल इट्स अ लाइफ, सो वी रिफ्यूज टू गिव परमिशन टू अबॉर्ट। सो ये डाउन सिंड्रोम है। फिर अगला न्यूज आइटम है, एनएचआरसी नोटिस टू स्टेट्स ऑन हिस्टेरेक्टोमीज। तो ये एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया, ये द हिंदू में एक रिपोर्ट आई थी ऑन द हिस्टेरेक्टोमीज जो कंडक्ट की जा रही है वुमेन पे इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका।
तो अब एनएचआरसी ने नोटिस भेजा है महाराष्ट्र और कर्नाटक गवर्नमेंट को कि इतनी सारी हिस्टेरेक्टोमीज क्यों हो रही है, विदाउट मेडिकल जस्टिफिकेशन हो रही है, ऐसे अलेज किया जा रहा है और कमर्शियल पर्पजेस के लिए ये की जाती है। तो जब वुमेन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है कि पेन है, ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल पेन है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उनको एडजस्ट किया एडवाइस किया जाता है यूटरस निकाल। तो इसको हिस्टेरेक्टोमीज का मतलब ये होता है कि यूटरस रिमूव किया जाता है पार्शियल फुल। तो ये जो है ट्यूबेक्टोमीज वैसेक्टोमीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो तो फैमिली प्लानिंग के लिए था। तो ट्यूबेक्टोमीज जो ये फीमेल्स में की जाती है, फलोपियन ट्यूब को स्टॉप किया जाता है, यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है ताकि फोल्ड किया जाता है, बेंड किया जाता है या कट किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। और ये यूटरस, तो ये ओवरी है, यहाँ पे एग्स बनते हैं, यहाँ फेलोपियन ट्यूब से ये यूटरस में फीटस डेवलप होता है, तो ये यूटरस ही निकाल देते हैं। तो देन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज नॉट पॉसिबल ओनली इफ द यूटरस इज रिमूव, ग्रो कहाँ होगा फीटस। तो ये रिकमेंडेशन दिया जाता है, तो इसके ऊपर अब इंक्वायरी होगी। फिर अगला न्यूज आइटम है एनजीटी नोटिस टू सेंटर ओवर पॉल्यूशन। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने एक पेटिशन आया है बाय मीरत रेसिडेंट। तो इन्होंने कहा है कि मीरत में जो एयर पॉल्यूशन है वो दिल्ली से भी सिवियर है। तो जैसे स्टेप्स लिए गए दिल्ली के लिए कि डीजल व्हीकल्स जो 10 ईयर्स से ज्यादा पुरानी है, पेट्रोल व्हीकल्स जो 15 ईयर्स से ज्यादा पुरानी है, उनके एंट्री रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो ऐसे स्टेप्स मीरत में भी लिए जाए, ऐसा पेटिशन उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने रखा है। वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है, इनकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो PM25 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, हमने कई बार डिस्कस किया PM2.5, कल भी डिस्कस किया, तो PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन मीरत में 1470 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है और सेफ लिमिट जो है वो 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होता है। तो इतना ज्यादा PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन है, तो स्टेप्स यहाँ पे भी जरूरी है। इसीलिए अब एनजीटी ने नोटिसेस भेजा है टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इवन यूपी ट्रांसपोर्ट, मीरत डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इनके रिस्पॉन्सेज आएंगे बाय April 10, उनको टाइम दिया गया है। तो ये एनजीटी जो है ये ट्रिब्यूनल है फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज। तो जैसे जुडिशियरी के पास केसेस जाते हैं, तो एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस या एनजीटी के पास आते हैं। चेयरपर्सन इनके जस्टिस स्वतंत्र कुमार है, ये कोड ऑफ लॉ से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अपहोल्ड करके वो क्विकली एडजुडिकेट करते हैं केसेस। तो यहाँ पे क्विक एडजुडिकेशन ऑफ एनवायरमेंट केसेस होते हैं, जल्दी रिजोल्व होते हैं, कम होता है मेन स्ट्रीम जुडिशियरी। तो ये एनजीटी है। अगला न्यूज आइटम है इंडिया नॉट टू इश्यू डिमार्श टू यूएस। तो डिमार्श जो होता है ये डिप्लोमेटिक लेवल पे एक नोटिस, फॉर्मल नोटिस और रिक्वेस्ट भेजा जाए बाय अ डिप्लोमेट टू अनदर कंट्री, तो उसको कहते हैं डिमार्श। तो इंडिया ने कहा है कि वो डिमार्श इशू नहीं करेगी यूएस को ऑन द हेट अलेज्ड हेट किलिंग जो हुआ अभी रिसेंटली एक इंडियन इंजीनियर का, तो डिमार्श नहीं इशू किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि इंडिया यूएस ऑफिशियल्स ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं सेफ्टी ऑफ इंडियंस इन अमेरिका, तो डिमार्श की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये क्रिटिसिज्म कंसर्न्स आए हैं क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस किलिंग के बारे में कोई रिस्पांस नहीं दिया, हालांकि वो काफी ट्वीट करते रहते हैं ऑन वेरियस इश्यूज किलिंग्स, पर इसके ऊपर एक वर्ड भी नहीं आया है। व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन ने इस इंसिडेंट को डिस्टर्बिंग कहा है, तो इसीलिए इंडियन मीडिया, यूएस मीडिया में इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कोई डिमार्श नहीं इशू किया जाएगा, हम डिस्कस करके इसको एंश्योर करेंगे कि इंडियंस की सेफ्टी हो अमेरिका में। अगला न्यूज आइटम है इंडिया ओमान टू होल्ड काउंटर टेरर एक्सरसाइजेस। तो ये इंडियन आर्मी और ओमान आर्मी जो रॉयल आर्मी ऑफ ओमान है, ये साथ में सेकेंड बायलैटरल एक्सरसाइज आर्म फोर्सेस की एक्सरसाइज करेंगे अल नगाह 2। तो ये फोकस होगा इस पे काउंटर टेररिज्म। तो ये एक्सरसाइज होगी हिमाचल प्रदेश में। तो ये जॉइंट एक्सरसाइज इसलिए होती है कि एक दूसरे की आर्मी के फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड किया जा सके, कि प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी हो सके, कभी जॉइंट ऑपरेशन चाहिए तो इंटरऑपरेबिलिटी पॉसिबल हो। तो इसीलिए ये आर्म्ड एक्सरसाइजेस, आर्म फोर्सेस की जॉइंट एक्सरसाइजेस की जाती है। नेवी के साथ ऑलरेडी हम ओमान के साथ बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनका नाम है नसीम अल बहर। तो ये 1993 से कर रहे हैं और ये आर्म फोर्सेस की सेकेंड एक्सरसाइज है। इवन ओमान, यूएई, इनके साथ हम, ये वेस्ट एशियन कंट्रीज है, तो इनके साथ हमारा काफी और एक्सचेंजेस भी होते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, ऑपरेशनल इंटरेक्शन होते हैं, इवन व्हाइट शिप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी किया जाता है। तो व्हाइट शिप इंफॉर्मेशन होता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कौन सी शिप है, उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है रिगार्डिंग कमर्शियल शिप्स। तो वेसल, मर्चेंट वेसल्स जो होते कमर्शियल, व्हाइट शिप मतलब नॉट मिलिट्री, कमर्शियल वेसल्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। फिर अगला न्यूज आइटम है कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोस।
तो ये हर मंथली इंफॉर्मेशन आता है, हम हर मंथ देखते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर मंथ का इंफॉर्मेशन, डेटा, वैल्यूज, फिगर्स रिमेम्बर करो। यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछती, बट 8 कोर सेक्टर्स पे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ चुकी है। तो ये 3.4% है जैन के लिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए, पर ये 8 कोर सेक्टर्स कौन से, तो ये रिवाइज करते रहना जरूरी है। ये 8 कोर सेक्टर्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनका 38% वेटेज है, तो उतना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं इनका। और जो फिलहाल है 8 कोर सेक्टर्स क्या है, उनका वेटेज कितना है, इंडिविजुअली उनका वेटेज कितना है, वो यहाँ पे दिया गया, तो वो इम्पोर्टेंट है। किसका सबसे ज्यादा वेटेज आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये सब आपको पता होना जरूरी है, नॉट मंथली डेटा एज सच। फिर अगला न्यूज आइटम है, स्पेक्ट्रम ऑक्शंस टू बी हेल्ड एनुअली। तो गवर्नमेंट ने अब कहा है, ये टेलीकॉम सेक्रेटरी कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम ऑक्शंस अब रेगुलरली किए जाएंगे, ईयरली किए जाएंगे। पहले ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे और सारा स्पेक्ट्रम भी ऑक्शन पे नहीं डाला जाता था। टिल 2015 ऐसे ही था, पर अब पिछले साल भी पूरा ऑक्शन स्पेक्ट्रम का डाला गया ऑक्शन पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि पूरा ऑक्शन पे डाला जाए। तो ये स्टेप्स अब गवर्नमेंट लेगी। नेक्स्ट ऑक्शन अब जुलाई दिसंबर के बीच में ये नेक्स्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी किए जाए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो ये ऑक्शन के थ्रू फुलफिल हो सकते। और वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में अब 5G टेक्नोलॉजी हम जल्दी एम्ब्रेस करेंगे, इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क पूरा आएगा। तो 4G 3G में हम डिलेड रोल आउट था, इंडिया में स्लोअर रोल आउट था, पर अब 5G हम साथ में रोल आउट करेंगे, ट्राई टू बी विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 5G टेक्नोलॉजी फर्स्ट कंट्री जो लॉन्च करने वाली है, एक्सपेक्टेड है 2018 में, वो है साउथ कोरिया। तो ये 2018 विंटर ओलंपिक्स के टाइम पे ये रोल आउट होने वाला है इन साउथ कोरिया। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी ये क्विकली इनिशिएट करें, इस पे पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये 5G टेक्नोलॉजी होती क्या है, यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, बट टू सिंपली अंडरस्टैंड जो है 5G टेक्नोलॉजी, मतलब 1G मतलब होता है बेसिक वॉइस सर्विस, जो हम टेलीफोन पहले होते थे, जो 1G वॉइस एनालॉग प्रोसीजर प्रोटोकॉल थे यहाँ पे। फिर डिजिटल स्टैंडर्ड जब आए तो ये 2G टेक्नोलॉजी कहा जाता है, तो मोबाइल फोन्स में GSM, CDMA, डिजिटल नेट, डिजिटल फ्रेमवर्क आया, डिजिटल स्टैंडर्ड्स। देन 3G टेक्नोलॉजी है, उसमें फर्स्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड आया, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज किया, तो IP प्रोटोकॉल, वो 3G टेक्नोलॉजी माना जाता है। और फिर जब ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड आया विथ ऑन अ यूनिफाइड स्टैंडर्ड, तो ये इनिशियल था, फिर ये यूनिफाइड स्टैंडर्ड LTE इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, तो ये 4G टेक्नोलॉजी माना जाता है। और 5G टेक्नोलॉजी जो है अभी जो लॉन्च होगी, तो दैट इज टेक्टाइल इंटरनेट, सो दैट इज वेरी हाई स्पीड, फाइबर लाइक स्पीड और सर्विस अवेयर डिवाइसेस होगी, तो और एनहांस्ड ऑपरेबिलिटी होगी और स्पीड्स होगी, तो उसको कहते हैं 5G टेक्नोलॉजी। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स न्यू ड्रग्स अगेंस्ट 12 सुपर जर्म्स। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जल्द से जल्द नए ड्रग्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो 12 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपर जर्म्स है, इससे कई डिजीजेस होने के खतरे हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स जो ऑलरेडी होते हैं, तो उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया, तो ये सुपर जर्म्स बन जाते हैं, तो सारे एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो नए नए एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट आती जाती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि नई एंटीबायोटिक्स बनाए जाए। तो ये जो सुपर जर्म्स है, वो काफी सारे एलिमेंट्स कर के रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लंग इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, ब्रेन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग वगैरह, तो ये थ्रेटनिंग है। तो ये उन्होंने 12 सुपर जर्म्स को लिस्ट किया है, ये क्रिटिकल माने गए बैक्टीरिया, ये बाकी बैक्टीरिया हाई एंड मीडियम, और ये क्या इन्फेक्शन उनसे क्या होते हैं प्रॉब्लम्स, वो लिखे गए हैं, और ये ऑलरेडी जो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो चुके हैं वो मेंशन है। तो काफी सारे एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं, पेनिसिलिन, इवन सेफलोस्पोरिंस के काफी सारे जनरेशंस भी आए, कार्बापेनिप्स है, मोनोबैक्टम्स है, तो ये सारे एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया कोई जर्म्स का, तो वो क्या बन जाते हैं, सुपर जर्म्स। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे जनरेट होता है, क्योंकि जब एंटीबायोटिक ली जाती है तो काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसमें से थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं, तो जब एंटीबायोटिक्स ली जाती है तो ये सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, पर जो रेजिस्टेंट होते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है उनमें, तो और ये फिर क्योंकि सब खत्म हो गए तो ये फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है इनके लिए, ये मल्टीप्लाई होते, ग्रो होते, टेक ओवर कर लेते। और जब कोई और बैक्टीरिया भी आते हैं जो नॉन रेजिस्टेंट है, तो ये बैक्टीरिया में फीचर होता है कि दे कैन स्प्रेड, तो वो अपना एंटीबायोटिक एंटी ड्रग रेजिस्टेंस जो है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो और बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हो, इसलिए जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो करेक्ट डोज में लो, डोज कंप्लीट करो, कोर्स कंप्लीट करो, अननेसेसरीली नहीं लिया जाए,
ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना डेवलप हो। तो दोज आर द स्टेप्स इंपॉर्टेंट, और जो ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अब डेवलप हो चुका है उसके लिए नए ड्रग्स की जरूरत है। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।